नमस्कार, सोशलाइट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको मोती वाले तोरण लेके डिजाइन आई हूँ। अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं आपको नए नए तोरण के डिजाइन अपलोड करती रहूंगी। तो चले शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के लिए। इसके लिए हमने व्हाइट ऊन लिया है, 4 नंबर की मोती है, ब्लू कलर में देख सकते हैं। ऊन हमने बेबी ऊन लिया है, 2 प्लाई है इस तरह का। चलो शुरुआत करते हैं। पहले तोरण पट्टा हम बना लेंगे। इसके लिए 24 चैन कर लेंगे हम। चौबीस चैन हमने यहाँ पर किया है। बाईस क्रोसी डबल क्रोसी बना लेंगे इसके ऊपर। एक लाइन 22 डबल क्रोसी बना लेंगे। ये देखिए, हमने 22 डबल क्रोशे बना लिए। दूसरी लाइन में 7 डबल क्रोशे बना लेंगे हम। सात के ऊपर 7। दूसरे लाइन में हमने 7 डबल क्रोशे बनाए हैं। एक चैन लेंगे यहाँ पर, 2 छोड़ेंगे, 2 हमने यहाँ पर छोड़ा है, 2 छोड़ के एक ही में 2 डबल क्रोशे लेंगे। इस तरीके से देखें, सॉरी, हमने 7 क्रोसी बनाए हैं डबल क्रोसी। यहाँ पर एक चैन लेके 3 छोड़ना है हमें। यहाँ पर 3 छोड़ेंगे, देख सकते हैं 3 हमने छोड़ा है। 1 2 3 छोड़ेंगे हम। 1 2 3 छोड़ के एक ही में हमें 2 बनानी है, 2 डबल क्रोसी इस तरह का। फिर यहाँ पर हमें 2 चैन लेनी है, 3 छोड़ेंगे। हमने यहाँ पर 3 छोड़ा है, फिर 2 लिया है, फिर 2 छोड़ेंगे हम बीच में, 2 छोड़ेंगे यहाँ पर हमें, फिर 2 लेनी है, 2 डबल क्रोशे। फिर दूसरी तरफ हमें 3 छोड़नी है, बीच में हमने 2 छोड़ा है, देख सकते हैं। यहाँ पर हमने साइड में 3, इस साइड भी 3, और बीच में हमने 2 छोड़ा है। एक चैन लेंगे, फिर 3 छोड़ेंगे, 7 डबल क्रोशे, 7 के ऊपर 7 बॉर्डर पर बनानी है हमने। देखिए, दोनों तरफ से हमने 7 7 बनाए हैं।
तीन दोनों तरफ छोड़े हैं, बीच में हमने दो छोड़ा है, एक में दो दो बनाए हैं, एक एक चैन लेके बीच में हमने दो चैन लिया है। बॉर्डर हम 7 डबल क्रोशे ही बनाएंगे। एक चैन फिर दो के बीच से हमने फिर दो बनानी है, दो डबल क्रोशे। यहाँ पर हमें चैन नहीं लेनी है, दो चैन जो हमने लिया है बीच में, यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनानी है। सॉरी, 2 डबल क्रोशे इधर बनानी है हमने, क्योंकि हमने नीचे दो चैन लिया है तो 2 डबल क्रोशे हम बनाएंगे, नीचे हमने 2 ही छोड़ा है। इस तरह से हमें बीच में चैन नहीं लेनी है, देख सकते हैं साइड में हमें दोनों तरफ एक एक चैन लेनी है। साथ साथ दोनों तरफ से हम बना लेंगे। ये हमने 7 बना लिया है, एक चैन। एक ही में हमने 2 बनानी है। ये लाइन सीधी ऐसी ही जाएगी, दोनों तरफ की लाइन 2-2 की। यहाँ पर हमने 2 लिया है तो यहाँ पर हमें 3 मोती लगानी है, जो हमने उनमें पिरो के रखा है। इस तरह से 3 मोती हम लगाएंगे, इसे हम इस तरह से बांध देंगे। चार छोड़ेंगे, दो इस तरह से, देखें एक चैन लेके फिर बॉर्डर बना लेंगे। बॉर्डर बना ले पहले हम, इस तरह से देखें। अब जो हमने 3 मोती जो ली है, एक मोती छोड़ के यहाँ पर हम सिंगल क्रोशी करेंगे, एक चैन लेंगे, फिर दूसरी मोती के तरफ हम एक और सिंगल क्रोशी करेंगे। इस तरीके से देखें 2 बनाएंगे, जो हमने साइड में 2 डबल क्रोशी बनाए हैं। इस तरीके से, इस तरह से डिजाइन हमें बनानी है।
बीच में हमने दो चैन लेनी है जिस तरह से हमने शुरुआत में लिया था। अब चाहे तो यहाँ भी मोती डाल सकते हैं अगर चाहिए, किनारे चाहिए तो। एक चैन, इस तरह से हम पट्टे बना लेंगे सारे, देख सकते हैं। इस तरह से मोती हम डालते जाएंगे। यहाँ पर तीन दो बनेगा, डबल दो डबल क्रोशे, फिर इसके ऊपर हम तीन मोती डालेंगे जिस तरह से मैंने ये मोती बताया है उसी तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने पट्टे बना लिए हैं, जितनी लंबी आपके दरवाजे हों चौड़ाई उतना बना लें। 34.5 या 35 इंच हमने ये लिया है पट्टा। अब नीचे के डिजाइन हम शुरुआत करते हैं। एक पार्ट हमने छोड़ दिया है, एक बॉक्स, दूसरे बॉक्स से शुरू करेंगे। तीन डबल क्रोशे हमें यहाँ बनानी है, तीन डबल क्रोशे बनाएंगे हम इधर। इस तरह से देखें, यहाँ पर हमने मोती लेनी है। तीन मोती हम यहाँ पर लेंगे, दो मोती हमने यहाँ पर लिया है, देख सकते हैं इस तरह से। इस तरह से हम धागे मोती के अंदर से ले लेंगे इस तरह। हमने दोनों मोती के अंदर से धागे ले लिए हैं, एक बॉक्स छोड़ेंगे, दूसरे बॉक्स में तीन डबल क्रोशे बनाने हैं। वन पॉइंट जीरो हमने एमएम लिया है क्रोशे, 6 नंबर देख सकते हैं, 6 नंबर की है 1.0 mm। इसे आसानी से मोती आर पार हो जाते हैं। फिर यहाँ पर हमें दो मोती लेनी है, देख सकते हैं किस तरह से हम ले रहे हैं। दूसरी तरफ से इस तरह से धागे अंदर से ले लें आप, एक बॉक्स छोड़ के दूसरे बॉक्स में तीन डबल क्रोशे। दो दो मोती इस तरह से तीन तीन बना के हमें डालते जाने हैं, देख सकते हैं आप इस तरीके से। इस तरह 7 पॉइंट हमें लेनी है, 7 बार तीन तीन क्रोशे करते हुए। ये देखें यहाँ पर हमने 7 पॉइंट बनाए हैं, दो दो मोती के, 3, 4, 5, 6, 7। लास्ट में हमने 3 डबल क्रोशे लिया है। यहाँ पर हमने पंद्रह चैन बनाने हैं। ये आधे चैन हमारे हो गए, दो एक्स्ट्रा चैन लेनी है,
दोनों मिला के 17 चैन हो गए, फिर 15 चैन लेनी है, कुल मिला के हमें 32 चैन यहाँ पर लेनी है। यहाँ पर हमने 32 चैन लिया है। बॉक्स हमने 8 बॉक्स छोड़नी है, 9 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स हमने यहाँ पर छोड़ा है। 10वें बॉक्स में इसे लेंगे हम 3 डबल क्रोशे, ये चैन हमने इस तरह से ही छोड़ना है। तीन डबल क्रोशे, फिर उसी तरह से हमने मोती दो दो का लगाना है यहाँ पर। एक बॉक्स छोड़ के दूसरे बॉक्स में 3 डबल क्रोशे, फिर दो मोती। जिस तरह से हमने यहाँ पर किया है इस तरह से हम पूरा लाइन कर लेंगे। 32-32 चैन लेंगे। यहाँ पर हमने 9 बॉक्स छोड़े हैं, 10वें बॉक्स में बनाया है, शुरुआत किया है 10वें बॉक्स से, और 7-7 का पॉइंट हमने बनाया है इस पट्टे में, देख सकते हैं। इस तरह से पूरी लाइन हम बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने चार पार्ट इस तरह का बनाया हमने, 1 2 3 4, और जो चैन वाले पार्ट हैं वो 3 आएंगे। इसके लिए पूरे पट्टे में हमने पूरा जो पट्टा है 89 लाइंस का बनाए हैं हमने, इसमें इतना 4 पार्ट आए हैं। दूसरी लाइन में हमने 3 चैन कर लेंगे, देख सकते हैं हमने एक क्रोशे के बीच से लिया है, दो दूसरे में दो, इस तरह का 3 आएगा। और जो हमने मोती ली है उसके किनारे से हम एक क्रोशे बनाएंगे, 4 इस तरह का 4 हम बनाएंगे, और यहाँ पर हमने एक मोती लेनी है उसी तरीके से। इस तरफ भी किनारे हम एक क्रोशे बनाएंगे। दो तीन चार, इस तरह हम ये लाइन बना लेंगे, देख सकते हैं आप किस तरह से हमने बनाया है। एक मोती यहाँ पर, एक बार और बता देती हूँ मैं आपको, एक मोती हमने यहाँ पर लिया है, इस तरह क्रोशे के मोती के बाजू से हम एक क्रोशे लेंगे, इस तरह दो बीच में, और एक किनारे, इस तरह से 4 क्रोशे हो जाएंगे। हमने नीचे के लाइन में 3 बनाया, ऊपर के लाइन में 4 बनाएंगे, और एक एक मोती इस तरह से डालते जाएंगे हम। इस तरह से हमें पूरी लाइन बना लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर जहाँ पर हमने चैन बनाया है इस तरह, यहाँ भी हमने 4 क्रोशे बनानी है, चैन में से एक लेंगे इस तरीके से, पंद्रह चैन यहाँ पर बनानी है हमने।
15 चैन हमने यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे चैन के बीच में, 1 2 3, 3 डबल क्रोशे हमने चैन के बीच में बनाए हैं, देख सकते हैं। फिर यहाँ पर हमने 15 चैन लेनी है, पंद्रह चैन हमने यहाँ पर लिया, एक चैन में से लेंगे क्रोशे, फिर 3 यहाँ पर लेंगे हम बीच में, 2 2, 1 1 2 3 4, फिर एक मोती दूसरे टाइम भी इस तरह से कंटिन्यू करेंगे, जिस तरह से मैंने ये लाइन आपको बताया है उसी तरह से ये पूरी लाइन बना ले। ये देखें यहाँ पर हमारे खत्म हुए हैं। तो तीसरे लाइन में हमने 3 चैन कर लेंगे, इस तरह से नीचे 3 लाइन 4 लाइन आए हैं, ऊपर ऊपर की लाइनों में 5 लाइन आएंगे, यहाँ पर किनारे हमारे 4 लाइन आएंगे, देख सकते हैं। यहाँ पर मोती हमें नहीं डालनी है, 2 ही लाइन की मोती हमने डाला इसमें, मोती के किनारे से हमने 1 क्रोशी लिया है, बीच में 1 1 हम हर 1 क्रोशी में से लेके जाएंगे, इस तरह। यहाँ पर इस लाइन में हमें मोती नहीं डालनी है, देख सकते हैं 5 क्रोशे आएंगे यहाँ, इस तरह से एक पार्ट हम बना लेंगे। यहाँ पर भी हमने 5 क्रोशे लिया है, देख सकते हैं, फिर 15 चैन, हमने लिया, 3 डबल क्रोशे यहाँ भी बनाएंगे हम चैन में, इस तरह। यहाँ पर हमें 2 मोती डालनी है, दूसरी तरफ भी 3 डबल क्रोशे, बीच में हमने यहाँ पर मोती डाला है, देखें दोनों तरफ 3 3, इस तरह से यहाँ भी एक फ्लावर बनते जाएंगे, 15 चैन, 'सी तरह से हम कंटिन्यू करते जाएंगे, टाई नहीं है, देखिए इस तरीके से हमें बनानी है पूरी लाइन, इस तरह का यहाँ भी हमें बनाना है फ्लावर। यहाँ पर हम कम करते जाएंगे 1 1, ये देखिए इस तरह से हमने एक लाइन बना लिया है, देख सकते हैं।
इसके ऊपर की लाइन में हमें स्लिप चैन लेनी है। ये वाले पार्ट में हम स्लिप चैन ले लेंगे। फिर मोती के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह, जिस तरह से हमने नीचे शुरुआत की थी उसी तरह से यहाँ पर शुरुआत करेंगे। यहाँ पर 2 मोती डालेंगे हम। मोती के ऊपर 3 डबल क्रोशे, इस तरीके से। ये तरीके से हम ये लाइन लेके जाएंगे। ऊपर की लाइन में आपको बता रही हूँ कि हमने 2 मोती का 6 बनाए हैं। 2, 3, 4, 5, 6। नीचे हमने 7 किया था, ऊपर 6 करेंगे। इस तरह से हमें एक एक घटानी है, एक एक पॉइंट इस तरह से देखें, जिस तरह से हमने शुरुआत में बताया था आपको। यहाँ पर स्लिप चैन लेके यहाँ से करनी है, मोती के ऊपर से इस तरह से हमें घटाना है, एक एक कम करते जाना है। तो हमने 7 किया था, इधर 6 किया हमने, और यहाँ पर बीच के डिजाइन के लिए हमने यहाँ पर 15 चैन करनी है। पंद्रह ही चैन हमें करनी है यहाँ पर, और इस तरह से डबल क्रोशे। इस तरह से हमने यहाँ पर 3 क्रोशे नहीं करनी है, हमें 4 करनी है यहाँ, जिस तरह से हमने नीचे के डिजाइन में बताया आपको उसी तरीके से। एक चैन में क्रोशे में हम इस तरह से लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने दूसरे पार्ट शुरू किए हैं। 4 यहाँ पर 4 आए हैं, देख सकते हैं। एक मोती, यहाँ पे 4 क्रोशे, इस तरह से डिजाइन आएंगे, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पर नीचे बनाया है इसी तरह से ये भी बनेगा। 15 चैन, 2 तरफ मोती के ऊपर हमने 3 क्रोशे लेनी है, देख सकते हैं। इस तरह से डिजाइन जाएगी। ये हमने पार्ट छोड़ दिया है मोती के ऊपर से लिया है, क्योंकि हमें एक एक कम करते जाना है यहाँ पर, इसलिए हमने छोड़ा है। 2 मोती यहाँ डालेंगे, इसके ऊपर हमें मोती का हिस्सा बनानी है। देखो इस तरीके से हम पूरी लाइन बना लेंगे, और ऐसे ही हम बढ़ाते जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम यहाँ से, जैसे कि हम यहाँ पर घटा रहे हैं, इस तरह से यहाँ पर हमें बढ़ाना है एक एक।
तो हमने यहाँ पर मोती डाला है, तो यहाँ पर दो मोती आएंगे, देख सकते हैं आप, इसके ऊपर एक आएगा और एक इसके ऊपर आएगा। इस तरह से हमें यहाँ पर बढ़ाना है और यहाँ पर कम करते जाना है, एक पॉइंट तक हमें कम करते हुए जाना है, जब तक एक पॉइंट एक मोती नहीं आ जाता। ये हमारा एक पॉइंट हो गया है, हमें इधर से बढ़ाना है, तो मैं बढ़ा के आपको बताती हूँ इधर से कैसे बढ़ाना है। हमने यहाँ पर 15 चैन लिया है, बढ़ाने के लिए हम 3 यहाँ पर क्रोसी करेंगे, 3 क्रोसी, ये देखिए साइड से हम बढ़ाएंगे, 2 मोती लेना है, जहाँ मोती हमने डाला है वहाँ पर हमें फिर 3 क्रोसी करनी है। दो मोती, चैन में हमें 3 क्रोसे बनानी है। इस तरह से हम बढ़ाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर एक आया है तो यहाँ 2 आएंगे। इस तरह से हमें बनाते जाना है, यहाँ पर बढ़ाते जाना है और यहाँ पर कम करते जाना है। देखिए यहाँ पर हमने 7 बनाया, 6 बनाया, फिर 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से आएगा और यहाँ पर बढ़ते जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से चैन इतना ही आएगा और यहाँ पर बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर घटते जाएंगे, इस तरह से हम बना लेनी है। ये देखिए हमने पूरा इसका पार्ट बना लिया है, 1 आने तक। इस पर हमने 2 लाइन, बीच का हिस्सा इस तरह से बनाया है, 3 पहले लिया हमने, 4 लिया है क्रोसी, चैन इतने ही आएंगे और बीच में हमने 7, जैसे कि नीचे हमने 7 लिया है तो बीच में भी हम 7 लेंगे, इसका पार्ट 7 हमने लिया है, 4, 5, 6, 7, अब यहाँ से हमें कम करते जाना है। इस तरह का हमने बनाया है, इस तरह से ये लाइन आपको बता दे, दिखा देती हूँ, हमने बीच में इस तरह से 3 क्रोसे लिया है, इसके ऊपर हम 4 लेंगे, इस तरीके से इस तरह से लाइन पूरी कर ले। ये लास्ट में हमने यहाँ पर बना के 4 क्रोसे बना के हमने यहाँ पर धागे निकाल दिए हैं, ये देखें, यहीं पर हम धागे निकाल देंगे इसके।
दूसरी तरफ से यहीं पर हम छोड़ देंगे, चैन भी यहीं से छोड़ देंगे हम। यहाँ से अभी हम कम करना चालू करेंगे, यहाँ हमें घटाना है तीनों पार्ट में, ये पार्ट हम यहीं छोड़ देंगे, यहाँ से हमें कम करना है एक एक। इस तरह से हम कम करेंगे, देखो हमने ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो गया, तो यहाँ पर हमने छोड़ दिया। फिर यहाँ से हम कम करना चालू करेंगे, यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये पार्ट हम छोड़ देंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे। तीन क्रूसी उसी तरह से बनाना है हमें, इस तरह से। यहाँ पर हमें सात लिया है तो यहाँ छह करेंगे, इस लाइन में यहाँ तक हमें छह करना है। ये देखिए हमने यहाँ पर छह बनाया है, तीन चार पाँच छह। अब यहीं से हम पहला पार्ट बना लेंगे, उसके बाद दूसरा पार्ट हम बनाएंगे, यहीं से दूसरी तरफ ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम कम कर करके, एक एक कम करके हम बना लेंगे एक पार्ट। ये देखिए इस तरह से हमने बना लिया है, यहाँ पर हमें एक चैन लेके स्लिप चैन करनी है, दो तीन चार, फिर यहाँ से हमें दूसरा बनाना है, दूसरी लाइन इस तरह से। देखें इस तरह से आप एक तक बना ले, कम कर करके एक एक कम होते जाएंगे हर लाइन में। एक पार्ट हमने इस तरह से बना लिया है, देखें इसी तरह से हम तीनों पार्ट बना लेंगे, बीच का भी और साइड में भी। इस तरह का लटकन हमने बनाया है, यहाँ पर हम इस तरह से लटका देंगे, एक यहाँ पर पट्टे के एक लाइन डिजाइन का लेंगे हम और यहाँ पर लगा दें। इस तरह से यहाँ पर हमने एक लगाया है, अब दूसरा पहला पार्ट जहाँ खत्म हुआ है यहाँ पर हम एक लगाएंगे इस तरह से, तीसरे पार्ट में इस तरह से एक लगाएंगे।
इस तरह से झालर लगा लें। हमारे वीडियो और डिजाइन आपको अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।